तो हेलो पग भाई, सबको स्वागत है मैं चैनल सिद्धार्थ राल में। और आज हम खेलने पोकेमॉन एडवेंचर रेड का एपिसोड 2। आपका स्वागत है मैं चैनल राल में। और आज हम खेले पोकेमॉन एडवेंचर रेड चैप्टर और ये एपिसोड 2 है गाइस। और गाइस आपको शायद से फैन की आवश्यकता होगी, लेकिन कोई बात नहीं। और आपने देखा होगा कि अभी मैंने 50 सेकंड वीडियो अपलोड की है, वैसे किसी ने देखा तो नहीं है। और गाइस आज हम जरूर खेलेंगे। और गाइस मैं ये 6 दिनों के लिए ना प्यूठान गया था, 4 दिन के लिए जाना था पर 6 दिन बैठना पड़ा, कुछ इमरजेंसी काम आ गया था इसलिए गाइस। और वैसे वहाँ पर नेट तो था लेकिन फिर भी मेरी वीडियो अपलोड नहीं गया। मैंने कहा कि मैं नेपालगंज में वीडियो अपलोड कर लूँगा गाइस, पर मैं नेपाल हूँ गाइस। ठीक है, तो हम यहाँ पर नीचे चलते हैं। मॉम मेरा व्हाट डू यू डू टू योर, हाँ अरे यहाँ पर एस केचम का भी घर होता है, एस केचम्स प्रेसिडेंट। और इस गेम में एस और एस का डैड ना वॉर में मर जाते हैं, इस गेम में, रियल में नहीं गाइस, रियल में नहीं। सो गाइस हम अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और गाइस मुझे ट्रेनिंग करनी होगी सबसे पहले गाइस, ट्रेनिंग करनी होगी। मैं अपनी पॉली को 12 लेवल में पहुँचा दूंगा कम से कम, और मैं मिलता आपको ट्रेनिंग के बाद। हाँ रिकॉर्डिंग चल जाएगा यार। एक तो कई सर इतने कम बार पोकेमॉन मिल रहे हैं कि मेरे पॉली को सिर्फ 10 लेवल तभी बढ़ाया गया। और मैं भूल गया, मुझे मेरा जो ये ब्लू वाला जो दिखाता था नहीं गाइस, इसको कैसे हटाना है, तो मुझे सेटिंग में जाना होगा गाइस। अब यही इनपुट वगैरह में जाना होगा, लेकिन मैं बाद में करूँगा गाइस। और मैं 60 मल्टीप्लाई की स्पीड में रहता। हाँ अभी पोकेमॉन आने जरूर है, हाँ जब पोकेमॉन की ज़रूरत होती है उस वक्त नहीं आते पोकेमॉन। और मैं ज़रा फिर से फास्ट वर्क की स्पीड को 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और हम चलते हैं यहाँ से गाइस। मैंने अपनी गेम की वॉल्यूम कम कर रखी ताकि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे अच्छे से। तो गाइस हम यहाँ से चलते हैं। और हमारे पॉली भी जो है बहुत पूरा हील हो चुके हैं। और आपको पता होगा कि पिछले एपिसोड में पोकेमॉन एडवेंचर रेड चैप्टर की मिसिंग पोकेमॉन आ गया था, चैप्टर 2 मिसिंग पोकेमॉन स्टार्ट हो गया था। सिद्धार्थ दिस इज द क्रेजी प्रोफेसर लैब्स, लोल क्रेजी प्रोफेसर लैब। आई थॉट आईड बी अ लॉर्ड मेसियर, मैंने थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दिया गाइस, थोड़ा कम कर देता हूँ। आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर हमें बल्ब शॉप पर टाइप करना, सीधा ओ कूल दिस इज अ बल्ब शॉप फील्ड, आई होल्ड इट यस बल्ब शॉप। व्हाट आर यू डूइंग, यू आर थीफ आंट यू। अरे प्रोफेसर जी भैया हम तो थीव नहीं है, हमें गलत समझ रहे हो तुम गाइस। भैया सीधा वाह प्रोफेसर ओक यू इडियट, अरे हमको ही इडियट बोला रे बाबा। प्रोफेसर ओक उफ प्रोफेसर ओक गर लुक व्हाट यू वी डन सिदर, आई एम अनसॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्रोफेसर ओक जस्ट गेट देम बैक सिदर ओके। और वैसे आपको मेरे आपस में कुछ चेंजेस दिख रहे होंगे, क्योंकि नहीं इस बार नहीं दिख रहे होंगे आपको गाइस। प्रोफेसर ओक मे बी आई वॉज बींग टू हार्श, पिछले एपिसोड में आपको शायद मेरी आवाज़ कुछ डिफरेंट लग रही होगी, तो वापस कॉटल ले और वो स्कॉटल ब्लू ले लेते हैं। ऐ मैं सभी कहानी में अभी बता रहा हूँ, तो लास्ट में कुछ क्या कुछ बच गए नहीं तो और जिगली है। यहाँ पर एंग्री बर्ड जो कि है स्पेयर, अरे हमारा कैरेक्टर एंग्री बर्ड ही बोलता है। ओए सिद्धार यस आई फाउंड द एंग्री बर्ड, मैंने कहा था ना हम इससे भी हराते हैं, जैसे इतने से कर देता तो अच्छा होता, तो कोई बात नहीं गाइस। और यहाँ पर अभी बाइक की साउंड आ रही होगी, और मैंने यहाँ पर स्पेयर को जो है वापस कर लिया, वापस कर दिया। और मैं फिर से इधर हील करा देता हूँ। अरे जिगली माइक के, अरे ये बहुत स्ट्रांग होती है, देखते हैं ये मेरा सामना कर पाती है। अरे यार हम इसे पहले इस बार भी इतना सुन भाई क्या है गाइस। ओ भाई अरे हाँ वरना जिगली माइक से हार दूंगा मैं,
सिर्फ इतना ही डैमेज पाउंड का। अरे यार सही में, ओ भाई अच्छा हुआ तो अब तब ये स्लिप बच थी। और अब हम यहाँ पर स्लिप बैठे हुए। अरे जिगली माइक बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, सब यूट्यूबर को तीन चार बार तो हरा ही चुकी है, तीन चार बार एक दो बार तो हरा ही चुकी है। बायलो का डेको और फालतू पकड़ गेमर का तो नहीं पता। अरे हमारा क्या कर पाई, देखते हैं क्या हमें हराएगी क्या ये। अरे हरा, अरे यार दो मुश्त में उठ गई ये तो। अरे ये हमें भी हरा दिया गाई। अरे 80 रुपीज़ गए भग सही में, लाड साहब टसन में, ये जिगली बप टसन में बैठी हुई है। ए बक्के चर, अरे यार ये तो लड़ता ही नहीं, मैं यहाँ से पोके बोले रहता चौके पोसे मैंने नहीं दिया था। तुझे अभी मिलना था, 11 लेवल बढ़ा देता हूँ मैं पोल का गाइस, 11 लेवल बता देता हूँ। सबको हरा देती है ये सही में, सबको हरा देती है। जिगर माइक को थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, मुझे तो मुश्किल नहीं लगा गाइस, लेकिन ये हमें हरा देती। तो हम फास्ट फॉरवर्ड में इसे बैटल करेंगे और इतने से, और इस बार हमें हमारे पास वाटर गन भी, थोड़ा सा लैग हुआ था अभी गेम का, अब तो यार आएगी। लेकिन यार इतनी जल्दी उठ के एक मूवी कैसे भाई, इससे अच्छा तो मैं फिर इतने से करते नहीं, फिर इसे एक मूवी उठना है तो इसको। अरे पोली, अरे सही में इतना कम डैमेज होता है। ओ फाइनली गाइस इस दिल में काम नहीं आ गया, मैं थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ था ठीक ठाक, क्योंकि एक मुँह में कैसे उठ जा रही थी, एक पहले में एक मुँह पहले हाइपनोसिस में, फर्स्ट हिप्नोसिस सिद्धार्थ गोटिया। वैसे इस बार मैं ज़्यादा बातें कर रहा हूँ पिछली वीडियो से। और हमें क्यूबन को ढूंढना है ये, मुझे पता है क्यूबन कहाँ पर है क्योंकि मैं पहले गेम खेल चुका हूँ। ये देखो लार्स यहाँ पर बैठे हैं, ये लार्स आप टसल में। हाँ अरे भाई साहब, अरे भैया पोकेमॉन सेंटर जाना होगा, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ यहाँ पर गाइस। वैसे गाइस मैंने भी अभी नोटिस किया अपनी आवाज़ को थोड़ा सा ज़्यादा, कि मेरा आवाज़ थोड़ी सी कम है क्योंकि मैं अभी अभी सो के उठाऊँ गाइस। हाँ गाइस मैं अभी भी सो के उठाऊँ, मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी 10 साल का हूँ और मैं 10 साल एकदम चाइल्ड यूट्यूबर हूँ। और अभी इस साल मुझे मैं 11 साल होऊंगा, 11 का होऊंगा। और इस साल मेरा बर्थडे बर्थडे भी है बर्थडे। अरे लार्ड साहब टसल में लोल, तो वाटर गन कर देते हैं क्योंकि ये हमारे पास एडवांटेज है। देखो गाइस सिद्धार्थ नाउ वेयर इज डेड बल्ब सर, यहाँ पर देखो रेड, ओ रेड देखा ना तुझे, यहाँ पर थोड़े बग पोकेमॉन से भी लड़ लेता हूँ और मैं 12 लेवल बता देता हूँ अपने पॉली को। अरे हट, अरे यार अभी मिल ही नहीं रहे गाइस, अभी जब चाहे होता है तब नहीं मिलता। सिद्धार्थ फ्यू आई वी फाइनली फाउंड यू, सिद्धार्थ ना सिद्धार्थ बोलता सॉरी गाइस। प्रोफेसर ओक डोंट लेट इट गेट अवे बल्बसोर बल्बा, सिद्धार्थ आई विल गो आफ्टर इट। प्रोफेसर ओक नाइस ट्राई बट यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, अरे प्रोफेसर ओक मैं हेल्प करने जा रहा हूँ और तुम मुझे चोर बोल के मुझे, और तू समझ रहा है कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं भाई सिद्धार्थ बट आई एम सॉरी आई ट्रेसपास इनटू योर प्रॉपर्टी, मतलब मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी में बिना इजाजत में आ गया था, ये इंसिडेंटली है ये अचानक क्यों हुआ गाइस। पोकेमॉन खो चुके और हमें उन्हें वापस लाना होगा, इट्स टू लेट, ये बहुत देर हो चुकी है। प्रोफेसर प्लेट टाउन को टाउन के बाहर जा चुका है, अब कोई भी जा सकता है। सिद्धार्थ इट्स फाइन कोई बात नहीं, मैं उसे जोर वापस लाऊंगा। प्रोफेसर ओक बोल रहे हैं ऑल राइट आई एम गोइंग विद यू, ठीक है मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ क्योंकि बल्बर सर को वापस लाने में मैं बिलीव डेट आई एम गोइंग टू टर्न मतलब, अरे नीचे अरे मेरे अंदर घुस गया ये तो लोल, ऐसे एक जोक था। ओए कोको हाय माय नेम इज कोको आई रन और डोंट डू फार्म आउट हियर इज वन आई नीड टू फाइंड अ कैपेबल ट्रेनर टू टेक कर
मैं खड़ा हूँ यहाँ पर मुझे इतना खास नहीं लगता टोक्यो। और ये लेजेंड ऑफ जापानीज लैंग्वेज सीजे यो आई मैन ओटाकू आई कैन स्पीक जापानीज देश का ओडिशा है, समझ गए ओडिशा है, ओडिशा है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जापानीज वर्ड है, ओडिशा का मतलब है सटअप, चुप होता, समझ गए। हाँ और अभी ये सब देखो तो गई चीजें कैसे परियों की तरह टलट रहा, मतलब ऐसे इधर उधर घूम रहे परियों की तरह। अरे यहाँ पर स्पेयर होता था यार, एक साइन स्पेयर यहाँ पर क्यों नहीं यार। अभी सेटलिंग देर आर अ लॉट ऑफ स्पेयर, हाँ तो कोई दिक्कत, ओ साइन स्पेयर की बात कर रही। अरे अब तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं बड़े यूनिवर्सिटी पर, और हमें प्रोफेसर को रहे हमें जल्दी से ढूंढना होगा प्रोफेसर को। और ये येल्लो है गाइस गर्ल, एम बोलती नहीं है। जेंसी मम्मी टोल मी टू नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर डेंजर, स्ट्रेंजर डेंजर लोल। अरे भाई मैं डेंजर नहीं हूँ, निकी हैव आई सीन ए बल्बसोर, व्हाट्स अ बल्बसोर, कैन आई ईट इट। जरा इसे हॉस्पिटल में चेकअप कराना होगा गाइस जी ना। आई थिंक आई मे हैव सीन अ बल्बसोर, इज बल्बसोर द पोकेमॉन विद द, ये लेजेंड है पोकेमॉन की, पोकेमॉन लोल। हेनरी आई थिंक आई सॉ बल्बसोर वॉकिंग नियर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। वैसे मुझे पता है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जिम में सुबह भी मैंने बात कर लिया गाइस, क्या जाता है बात करने में, कुछ नहीं तो करना चाहिए। और ऐसे ऐसे चीट कोडर्स के लिए गाइस। और हम यहाँ से चलते हैं फास्ट वर्ल्ड में आपका टाइम वेस्ट ना कराने के लिए। और रेड यहाँ पर बोलता है जीवानी की स्टेट्स को विड स्टेट बस बल बल बा इधर। ऑल राइट आई फाउंड यू, ठीक है मैंने तुम्हें मतलब यस मैं तुम्हें ढूंढ लिया, ये बोल रहे हैं हमारा कैरेक्टर सिद्धार्थ। व्हाट अ वियर्ड स्टैचू, हमारा कैरेक्टर जो यानी कि स्टैचू को वियर्ड स्टैचू बोल रहा है लोल। ओए अरे मेरा पोल 11 लेवल ही है अभी तक गाइस, सॉरी मैं अभी जरा ट्रेनिंग करता हूँ, करूँगा मैं गाइस और आपको भी दिखा देता हूँ ट्रेनिंग, या फिर मैं पॉज ही कर देता हूँ गाइस पॉज। तो बस काम बन गया, बस एक ही वर्ल्ड पोकेमॉन से बैटल करनी थी और हमारा पॉली जो है पहुँच चुका है 12 लेवल। रे और गाइस मुझे पता है कि बल्बसोर स्टोरी के हिसाब से इवॉल्व होता है, और मुझे पता है कि वो 25 में होता है 25। और तब बल्ब आई विश और तब स्टोरी के हिसाब से विनोसोर में इवॉल्व होता है, तब वो कितने में इवॉल्व, कितने लेवल में वो पहले इवॉल्व हो जाते हैं मुझे बताना गाइस कमेंट में। मुझे कोई कमेंट तो नहीं करता वैसे, लेकिन पता हो तो कर देना गाइस प्लीज, मैं उससे एक लेवल कम ही रखूँगा और स्टोरी से हिसाब से इवॉल्व होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैं नहीं बताओगे तो फिर भी कोई बात नहीं गाइस। सर बल्बा सर बल्बा सिद्धार प्रोफेसर रोक प्रोफेसर रोक, आई टेक इट फ्रॉम यर जस्ट कम टू डैडी, तो अपने डैडी के पास आओ लिटिल बल्बा सर, ये बोल रहे प्रोफेसर रोक। उफ नाउ रियली इज योर ऑनर, क्या ये क्या सी क्या सच में मैं तुम्हारा ऑनर हूँ, ये बोल रहा है प्रोफेसर रोक। और सिद्धार हमारा कैरेक्टर बोल रहा है डोंट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं बल्बा सर। सिद्धार ऑफ कोर्स यू री नर्वस, इज योर फर्स्ट टाइम यू बी एवर बीन आउट ऑफ द क्रैम्प पोके बॉल, क्योंकि हमारा कैरेक्टर बोल रहा है कि बॉल बॉल सर तुम नर्वस हो मुझे पता है, क्योंकि तुम पहली बार अब ये पोके बॉल से बाहर आए। प्रोफेसर प्रोफेसर लोग देख के थोड़ा अच्छे से क्लियरली देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं हम कैसे कैरेक्टर है। सिद्धार ये डैट्स अ गुड बॉय, आर यू हंग्री, और हमारा कैरेक्टर बोल रहा है ये सॉरी गाइस या डैट्स अ गुड बॉय, ये गुड बॉय है क्या तुम्हें भूख लगी हुई, माचो का आया यहाँ पर वाइल्ड माचो सीधा इट्स प्रोफेसर रोक वाइल्ड माचो, और प्रोफेसर रोक को बेहोश कर दिया सीधा प्रोफेसर रोक। व्हाट्स बल्बसोर बेस्ट अटैक सीधा डैम इट व्हाट नाउ सीधा वेट इट वाज अ बल्ब एंड इफ देयर सनलाइट देन आई वी गो टू ट्राई इट, और हमारे कैरेक्टर में दिमाग के वो सोरो दिन गर देता है देख यहाँ पर आजमा के माहौल को देख के
हम बल्बसर के साथ लड़ेंगे गाइस कि नहीं, हम लड़ेंगे ना बल्बसर के साथ। बल्बसर आर वी आर बॉडी, बल्बसर आर हम सबका बॉडी है। और बल्बसर का क्या नाम रखूँ गाइस, मैं मैंने सोच लिया था और अभी याद आया, डेट वॉज सोलर बी। बल्बसर यू न्यू अबाउट बल्बसर सोलर बी मेटल सीधा नाउ, बट आई फिगर प्लांट्स टर्न सनलाइट इनटू एनर्जी। और हमारा कैरेक्टर बोल रहा है कि अभी पता है क्योंकि यहाँ पर सन, इसके पास क्योंकि यहाँ पर सनलाइट भी आ रही है और बल्ब सर के पास बल्ब भी है तो इससे सोलर भी मिलता है। प्रोफेसर यू जस्ट फिगर, हाँ, यू आर इंटरेस्टिंग, आई हैव डिसाइडेड दिस बल्ब सर। हम इनको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे और ये डिसाइड कर दे कि बल्ब सर हमारे पास होगा और हम इसे सफर में ले सकते हैं। इधर प्रोफेसर आर यू सीरियस, क्या एंड टू बी ऑनेस्ट इट सीम्स लाइक द लिटिल फेलो हैज टेकन क्वाइट अ लीकिंग टू योर एनवे। हमें चाट रहा है लीकिंग का तो चाटने के मतलब होता है इधर। वाओ दिस इज सो ऑसम, डू यू वांट टू गिव इट अ निकनेम। यस हम इसे एकदम प्यारा प्यारा सा नाम देंगे गाइस, हम इसका नाम रखेंगे बल्बू। कैसा नाम है गाइस, अच्छे तो नाम है बल्बू। हम सब पोकेमॉन को निकनेम देंगे पोकेमॉन एडवेंचर करते सिद्धार्थ। बट फर्स्ट आई विल गॉट अ क्लियर सम मिसअंडरस्टैंडिंग प्रोफेसर, द रीजन व्हाई आई एंटर योर लैब। और हमारा कैरेक्टर बोल रहा है कि मैं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग से अंडरस्टैंडिंग में आपको समझा देता हूँ कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि मैं एक पोकेमॉन के बारे में अच्छा सीख सकूँ, इसलिए मैं आपकी लैब में आया था पोकेमॉन ट्रेनर बनने के लिए। डू यू नो वट इट टेक्स टू बी ग्रेट ट्रेनर, तुम्हें पता है कि ग्रेट ट्रेनर का मतलब क्या है, कि तुम्हें पता है कि ये डज इट मीन नोइंग क्लेवर ट्रिक, क्या क्लेवर ट्रिक तुम्हें कुछ समझा सकती है। थोड़ा टक से गया था मैं गाइस, डज इट मीन हैविंग अ पावर हाउस टीम इन योर सिद्धार्थ। इफ यू थिंक दोज आर क्वालिटीज डैट मेक अ ग्रेट ट्रेनर दे यू री रॉन्ग, तुम गलत हो। बोलते वाट मेक्स अ ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट ट्रेनर किसे बोलते हैं कि वो अपने दिल को साफ रखे और वो अपने पोकेमॉन से कनेक्शन रखे, एक बॉन्ड, द फीलिंग ऑफ योर डीप, एकदम गहरी फीलिंग रखे, ये है ग्रेट पोकेमॉन ट्रेनर। और योर तुम्हारा नाम सिद्धार्थ, माय नेम इज सिद्धार्थ। तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं हिंदी में। हेयर यू गो, वैसे आपको ये आई होप कि आपको ये वीडियो बोरिंग तो नहीं लग रही होगी, बोरिंग कहाँ लगती है। फॉर जो दिस इज अ पोकेडेक्स अ पोकेमॉन इंसाइक्लोपीडिया अवेलेबल। अब वैसे हम बहुत ज़्यादा हो गए, वैलेट टाउन रोड इज होर्जन, तुम्हें वॉरेडिन फॉरेस्ट में जाना हो दौड़ तब वॉरेडिन सिटी, यू बाउंड टू फाइंड मी टू। नेवर माइंड आई विल सी यू अराउंड सिद्धार्थ। तो फॉर जो तुम मेरे, इनका मतलब है कि तुम मेरे ग्रैंडसन से मिल गए जो कि है ग्रीन गेम में। अरे पता नहीं गेम में क्यों नाम रख दिया ग्रीन, पर फिर भी कोई बात नहीं। तुम एडवांस वी कैन बाई चार मिनट से टैक इट स्कूल और एक कंगस कान को पकड़ने की कोशिश कर रहा है गाइस, इसमें मैं अभी की कह रहा हूँ क्या तुमने चार मिनट निकल देखा शायद से वो भाग चुका है सीधा, वो वहाँ पर है, चलो चार मिनट वो अभी पिए, ये बोल रहा है। एंड ऑफ मिसिंग पोकेमॉन चैप्टर 3 सेविंग कंगस खान। तो गाइस हम चलो अपने चैप्टर 3 को कंप्लीट करने चलते हैं गाइस, और हमारे पास बल्बस सॉरी है और जो कि हमें हील करना जाना होगा गाइस। ओ मेरी बारे में बात कर रहे हैं कि मैं अच्छा ट्रेनर बन सकता हूँ, बहुत देर लगा थी फिर ये बड़ा होगा। मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, बताना चाहता हूँ और मुझे पता है पहले से ऐसे यार क्या कर सकते, मैं तैयार हूँ पकड़ ट्रेनर के लिए, हाँ हाँ लाइक वादर लाइक सन सर गो मम्मी प्राउड सीधा सी यू सीरियस आई कैन गो ऑफ कोर्स। और हमारी मम्मी बोल रही है अगर मैं नहीं जाने देती तो तुम सीक्रेटली तुम बिना किसी किसी को भी ना बता के तुम
अपने घर पर मैं चले जाती और मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। वैसे हर मॉम अपने बेटे को खुश ही देखना चाहती हैं गाइस, इसलिए वही भाई लोग का ऋषभ का ही बोलूँगा गाइस, ऋषभ भाई का, ऋषभ वैसे वो मुझसे बड़े हैं। और गाइस अगर कोई ट्रेनर के पीछे म्यूट ऊपर गया तो ट्रेनर खुश हो जाता है, लेकिन मॉम नहीं होती। तो हम यहाँ पर पोकेबॉल ले लेते हैं, वैसे मैं थोड़ा अलग टाइम में बात कर रहा हूँ, तो सॉरी गाइस, सर पोकेबॉल तो नहीं दी इन लोगों ने गाइस, सुपर पोशन करते तो सब ओहो बॉय कर सकते हैं यहाँ पर, मुझे नहीं पता था, सिर्फ बाद में करेंगे गाइस। अभी तो हम यार हमें पोकेबॉल तो मिली नहीं गाइस, देखता हूँ गाइस एक बार फिर से देख लेता हूँ, नहीं मिली गाइस, तो मैं दो पोकेबॉल खरीद लेता हूँ, दो पोकेबॉल सिर्फ दो, और पोशन भी दो खरीद लेता हूँ, दो दो काफ़ी है। सॉरी गाइस, मेरे दो गाल में एक दाग है तो वहाँ पर थोड़ा सा मेरा नाखून लग गया था, जैसे अरे एक ही खरीद सकता हूँ मैं, है नहीं खरीदेंगे अभी, चल चलते हैं हमारे पोकेमॉन ठीक है ना फिर, अरे नहीं गया मैंने लोल, वैसे मैं कुछ ज़्यादा एडिटिंग देने का था, और गेम लैग क्यों हो रही थी, अरे हाँ हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, वैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैं पता नहीं आज मेरे साथ क्या क्या सीन होता है गाइस, अब साइंस प्योर ही नहीं मिल रहा। अरे डेजी तुम्हें देख के अच्छा लगा सिद्धार, मैंने तुम्हें आके पकड़ लिया, मेरा नाम है डेजी और मैं प्रोटोरो की ग्रैंड डॉटर सिद्धार, आई डिडंट नो द प्रोटोरो, मुझे पता सिद्धार कह रहा है हमारा कैरेक्टर कह रहा है कि मुझे नहीं पता था कि प्रोफेसरों के पास एक ग्रैंड डॉटर भी है, डेजी माई ग्रैंड फादर फॉरगॉट, अब याद आया, अरे यार ये देती थी मैं तो भूल ही गया था यार, सही में मैंने पहले दो पोकेबॉल्स खरीद लिया और फिर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, और ये फोर्की रह जाता है, ओ माई गॉड शी इज नॉट मूवी इज शी डेड लोल हु आर यू कॉलिंग डेड दैट्स द स्टोरी यू विल प्ले यू विल प्ले, और इसका ये यू विल प्ले का मतलब भी नहीं पता यार सही में, और जब बाद में हम इससे बात करना चाहते तो तुम्हें तो ये हमें पता नहीं क्या क्या बोलते रहती है यार सही में, हमारा कैरेक्टर तो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं, हम भी नहीं समझ पाते, वर्ल्ड इन फॉरेस्ट तो इनको स्किप करके चाहते हैं गाइस, यहाँ पर ओ सीधा ओके बडी लेट्स टू फॉर सम पोकेमॉन पॉलीवॉल पॉली सीधा पॉलीवॉल सीधा आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो, ये भाई सो डैट पॉलीवॉल हैज नो ओनर ये रखो वी थॉर इट अ वाइल्ड, और ग्रीन से ग्रीन को लगा था कि पॉलीवॉल एक वाइल्ड पोकेमॉन है, ये पर्सनली मत लेना सीधा, तुम इसके चुकाओगे, तुम इसका चुकाओगे तुम ऐसा मतलब समझ लो, क्या पर कैंगस खाना चुके हैं, और रेड ग्रीन बोला कि मैं तुम्हारे वेट कर रहा था, चार मिनट जाओ अटैक करो, वंस आई मीन आई बी एबल मैं जीत गया तो मैं ऐसे पोकेडॉक्स में फूल कर दूंगा डर सब पोकेडॉक्स, ये पोकेडॉक्स इसके पास पोकेडॉक्स ग्रीन एज होता है ग्रीन, हाँ सिद्धार्थ व्हाट्स सो फनी माय ग्रैंडपा, और ग्रीन बोला कि मेरे दादा दीदी ने कहा था कि उन्होंने एक और ट्रेनर को एक और लड़के को मेरा राइवल बनाया और मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा राइवल हो, ग्रैंडपा क्या वो तुम प्रोफेसर तुम्हारे ग्रैंडपा है दादा जी है वाई, तो उन्होंने तुम्हें पकड़ा तो क्यों दिया, जैसे कोई बात नहीं चार मिनट और जाओ फाइनल अटैक, अब ये मेरा है ये बड़ा ग्रीन चार्मेंडर इतना इनफ नहीं है, एक और बार हिट करो एक और बार अटैक करो सिद्धार जस्ट समथिंग, कुछ तो अच्छा नहीं हो रहा है हमारा कैरेक्टर बोल रहा कुछ तो अच्छा नहीं हो रहा है स्ट्रॉन्ग इनफ, ये तो इतनी तेज नॉइस, अरे बाइक संभाल के चलाओ भाई, ये बहुत ताकतवर है पोकेबॉल, तो कुछ तो
क्यों ये अटैक नहीं कर रहा, कुछ तो है इसके स्टोमच पर। ऑफकोर्स डर स्टॉप, ऑफकोर्स डर सीट अटैक रोको सीधा। ये ग्रीन, ये बहुत ग्रीन बोल रहा है कि ये पोकेमॉन मेरा है, ये सब अटक अटक हो गया था मेरा, इससे मैं ले जाऊंगा बोल रहा है। और सीधा बोल रहा है कि तुम्हें नहीं पता क्यों तुमने ट्राई करा, क्यों सीधा चार्मेंडर हमला जारी रखो, सीधा पॉलीबॉल जाओ अटैक करो चार्मेंडर पर। ए व्हाट द, ये तुमने क्या किया, वो भाग चुका है। अरे ग्रीन जैसी मेरे टाइप की बोली गई सही में, अब इसका मारी क्या मेरी गई, तुम इसका चुगाओगे। मुझे इतनी हिंदी आती नहीं है। अरे यार लड़ने लग गया ये तो, और चार्मेंडर और चार्मेंडर अच्छा होता इसलिए पूरे चार्मेंडर को चीज किया, हम इसको पॉली से हरा देंगे, मुझे लगा था कि ये शायद अब चीज करेगा, शायद एक बार में करता होगा गाइस। आइस बीम, मैं पॉली आइस बीम से करा तो हम क्यों नहीं सिखाए गाइस, क्यों नहीं। और हिप्नोसिस का इतना फायदा तो है नहीं क्योंकि यार वो तो क्या करेगा इस, वैसे बबल को डाल देते हिप्नोसिस काम आएगा बस। तो हमने बबल को डाल के आइस बीम का जो है पॉली को, तो गाइस शायद तो चूज रहा है वो भी शायद चूज करता है, तो हम पॉली को ही रखेंगे गाइस और आइस बीम करेंगे। 13 लेवल का है इसका, वैसे फ्रीज हो चुका है और हम हिप्नोसिस भी करेंगे। अरे भाई साहब, अरे अरे हम हार जाएंगे लगता है गाइस, मेरा बल्बू बल्बू ही कुछ कर सकते हैं। और सोलर बीम, अरे यार सही में इट्स स्टिल दे रहा हूँ, ये अभी भी यहीं पर है, हम मैच को जारी नहीं रखेंगे। ओ ओ लोल, अरे वैसे भी कुछ भी हुआ था नहीं, हा 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 लोल, तो हम यहाँ से जाते हैं और हम यहाँ से जाते हैं गाइस। ओहो वहाँ पर एक पोकी बॉल है गाइस, लेकिन हम सर्व करके वहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर लैग हो रही है क्यों। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, हम इस चैप्टर को अगले एपिसोड में पूरा करेंगे। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, नहीं मिलता आपको अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए पीस आउट।